हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। ये मैंने आज बनाया मेथी के परांठे। तो मैंने मेथी की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक परांठा बनाती हूँ, भूख लग गई थी मुझे। तो मैंने वो परांठा ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसकी मेकिंग देखिए, ये मेरे आटा गूंदा हुआ था पहले से, इसको थोड़ा सा मैं मल के इसको और सॉफ्ट कर ली। अब मैं इसमें से एक मोटी सी लोई ली, क्योंकि मुझे परांठा एक ही बनाना था, थोड़ा अच्छा सा हैवी सा। अब मैं इसको अच्छे से मतलब बेलूंगी। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ही गूंदा था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया। अब मैं थोड़ा देसी घी जो था वो उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। और अब मैं हमेशा परांठे के मतलब जो बेलती हूँ उसमें मैं थोड़ा ऑयल लगाती हूँ। अब ये प्याज जो है मेरा बहुत फाइनली मैंने चॉप किया था, एक प्याज आधा प्याज है मेरा। और ये नमक मैंने डाल दिया इसमें, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि कई बार मुंह में आ जाता है तो बहुत तीखा लग जाता है, इसलिए मैं कुटी हुई लाल मिर्च ही प्रेफर करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने जो मेरी मेथी थी ना, कसूरी वाली मेथी थी, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने अच्छे से उसको धो के फाइन चॉप कर लिया। अब मैं इसमें सूखी कसूरी मेथी जो होती है वो भी मैंने थोड़ा डाला, ताकि जो मेथी का, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे ही चाकू से पतला पतला काट रही हूँ, और बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। भर भर के इसमें मैंने मेथी डाला है, और उसका स्वाद भी जो है ना एकदम भर भर के आएगा। इसी तरह से मैं सारा रोल कर लूँगी। और मैंने थोड़ा आटे के ऊपर सूखा आटा डाला है, ताकि जो इसके लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से खुलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी तरह से मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे, मैंने ऐसे ही इसके ऊपर चिपका देने। और ये देखिए मेरा एक अच्छा सा टेस्टी सा पराठा जो है तैयार होने जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं हल्के हाथ से ही बेल रही हूँ। और जो मेरा आटा भी था थोड़ा चोकर वाला ही है। और ये देखिए, मैंने तवा अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर बाहर से कोई आवाज़ आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छे से करारा होने तक भून लूँगी, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनाने वाली हूँ मैं। और अगर आप घर में सबके लिए ऐसा बनाते हैं तो वो लोग बहुत रिलिश करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जो मेथी नहीं खाने वाले लोग हैं वो भी मेथी खा लेंगे अगर आप इस तरह से परांठा बना के देते हैं। आटे में तो सब कोई गूंथता है, पर अगर आप ऊपर से इस तरह से डाल के बनाते हैं तो इसका टेस्ट ही कुछ और आता है, और आटे वाला भी अच्छा लगता है, वो भी हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए, उलट पुलट करके मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको एकदम क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक अच्छी तरह से भून लिया है। और अब चलते हैं प्लेट की तरफ। और ये देखिए, मैंने प्लेट में डाल दिया है मैंने दही और अचार, और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए मेरा कितना अच्छा और कितना खस्ता लग रहा है देखने में, और खाने में भी यकीन मानिए फ्रेंड्स उतना ही टेस्टी है। तो ज़रूर बनाइए, सबको खिलाइए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।